बहुत सुंदर स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में राज्य में जो ये उपलब्धि है। और तो हम लोग तो चाहते ही ना है हमारा मेडिकल कॉलेज खूब अच्छा बने, इंजीनियरिंग कॉलेज खूब अच्छा बने, नीचे बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो, तो ये सब चीज के लिए। और जैसे मेडिकल कॉलेज में तो उसमें हॉस्पिटल भी होता है, तो लोगों का ट्रीटमेंट भी ठीक ढंग से हो, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही ये किया जाता है। अब यहाँ पर बन रहा गलत बात है, अब इसी साल 6 महीने के अंदर इसको तैयार कर देंगे, तब फिर हम लोग बन जाएगा, तो उस समय जो होगा तो उसको शुरुआत कराने भी चले आवेंगे। आज तो इसलिए देख रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बन जाए, तो बचा हुआ जो है तो उसको हम लोग चाहते हैं तेजी से बन जाए। आपने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी है जो उसकी कमी वो भी भरपाई कर पाएगा। वो तो जरूरी है। देखिए, एक तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें प्रोफेसर्स की और अन्य एम्प्लॉइज की बहाली पूरी करनी चाहिए, और सब यहाँ पर रहे, बच्चे बच्चियों को पढ़ाए और उसके साथ साथ लोगों का ट्रीटमेंट इलाज करे। आप समझ रहे हैं ना, तो हम लोग तो इलाज तो चाहते हैं ना कि किसी को बिना मतलब के बाहर न जाना पड़े, हर तरह का इलाज उसको वहीं हो जाए, तो कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर है। और दूसरी बात है जो इन्होंने बताया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसको आने का जो रास्ता भी बना दे रहे हैं, ताकि एकदम 4 लेन से सब से जुड़ जाएगा, रेलवे लाइन है उसके साथ उससे भी जुड़ जाएगा, ताकि किसी को यहाँ पर आने में और यहाँ से जाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो वही देखने के लिए आया, तुमको दिखा रहे हैं तो ठीक है, हमको तो पूरा भरोसा है कि एकदम बिल्कुल। अब देखिए, ये लड़कियों के लिए ये है हॉस्टल, तो उधर छात्रों के लिए है, सब हो रहा है। कब तक हो जाएगा सर ये उम्मीद? कह रहे हैं कि 6 महीने में तैयार। हर जिले में सर मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है सर? हर जिले में मेडिकल कॉलेज? हर जिले में तो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी जितने का तय किया उसको तो पहले कर रहे देंगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज तो हर जिले में हो ही रहा है, और मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों की इच्छा है। अगर मान लीजिए कि हर जिले में नहीं, मतलब छोटा छोटा अगल बगल है, तो मिला करके भी एकदम जरूर हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट में सुविधा हो। कि तुम लोग आगे के बारे में सोच ही रहे? ये अमूल चूल परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। अभी देखिए ना भाई, स्वास्थ्य सेवा के सवाल है कि सब बना देंगे, सब तरह तो इसलिए सब कुछ ना होगा लोगों को सुविधा इलाज कराने में। और सबसे बड़ी बात है कि लड़के लड़कियों को पढ़ाएंगे, तो आप जान रहे हैं मेडिकल कॉलेज में भी और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों जगह, अब महिलाओं के लिए हम लोगों ने 1/3 रिजर्वेशन कर दिया है। अब पढ़ेगी उससे भी ज्यादा, जान लीजिए।